वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज रूट वर्ड की सीरीज में अर्थ लिए हैं, इसका मतलब होता है जोड़ है। चलो देखते हैं अर्थ से कौन कौन सा रूट वर्ड बनता है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों अर्थ लिया हूँ रूट वर्ड, इसका मतलब होता है जोड़। जैसे हमारे पैर में, हमारे हाथ में बहुत सारे जोड़ है हमारे शरीर में, उसे उस जोड़ को कहा जाता है इंग्लिश में अर्थ, हिंदी में कहा जाता है जोड़। चलो देखते हैं इससे कौन कौन सा वर्ड बनते हैं। अर्थराइटिस, अर्थ मीन्स होता है जोड़, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेशन या सूजन, जब हमारे जोड़ों में सूजन हो जाता है उसे कहा जाता है अर्थराइटिस हो गया है। जोड़ों में सूजन, इन आवर बॉडी ऑफ अ पार्ट ऑफ ज्वाइंट कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड अर्थराइटिस। हमारे पैरों या हाथों में कहीं पर भी जहाँ पर ज्वाइंट है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाता है तो उसे अर्थराइटिस कहा जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं जोड़ों में सूजन। अब देखते हैं अर्थ्रालाजिया है, अर्थ मीन्स होता है जोड़, लाजिया मीन्स होता है पेन, इसका मतलब होता है जब जोड़ों में दर्द होता है उसे कहते हैं अर्थ्रालाजिया, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है उसे अर्थ्रालाजिया कहते हैं। अब देखते हैं आर्थोप्लास्टी, अर्थ मीन्स होता है जोड़, प्लास्टी मीन्स होता है दोस्तों हमारे जब जोड़ में उसका रिपेयर करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, जो कमी होती है उसे आर्थोप्लास्टी कहते हैं, जोड़ों का रिपेयर, जोड़ों का रिपेयर इसे आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। आर्थोपोड, आर्थ मीन्स होता है जोड़, पोड मीन्स होता है लिंब, जिसे पैर कहते हैं, प्रकार का होता है लेकिन पूरी तरह से पैर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसे आर्थोपोड कहते हैं। आर्थोपोड दोस्तों अकशेरु जंत में होता है, उन्हें जो जो शरीर से अलग होता है कुछ पैर के टाइप में होता है लिंब कहते हैं, उन्हें आर्थोपोड कहा जाता है। अकशेरु जीव में लिंब, अकशेरु में लिंब जो होता है शरीर से अलग होता है। शरीर से अलग, अब देखते हैं आर्थोस्कोप। आर्थोस्कोप दोस्तों एक प्रकार का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम जांच करते हैं शरीर शरीर के किस भाग जोड़ में कहां पर क्या दर्द है या कैसे उसमें कमी आ गई है। इसके द्वारा जोड़ की जांच करते हैं, जोड़ की जांच करना। अब देखते हैं अथल है, अथल मीन्स होता है जो अथल, यहाँ पे रूट वर्ड लिया हूँ अथल है। इसमें दोस्तों अथल मीन्स होता है जब हमारे दो ज्वाइंट के बीच में जो स्थान होता है या दो जोड़ों के बीच में जो स्थान होता है उसे अथल कहा जाता है। अर्थल, दो जोड़ों के बीच के स्थान को अर्थल कहा जाता है, दो जोड़ों के बीच के स्थान, तो जोड़ों के बीच के स्थान को अर्थल कहा जाता है या हिंदी में कहा जाता है जोड़ों के बीच के स्थान। उसके बाद देखते हैं अर्थेक्टोमी, अर्थ मीन्स होता है जोड़, टोमी मीन्स होता है कटिंग ऑफ समथिंग, दोस्तों किसी चीज को काट देते हैं, हड्डियों को दोस्तों कभी कभार बढ़ जाती हैं जिससे हमारे शरीर में दर्द होने लगता है जोड़ों में, उनको शरीर से काट कर बाहर निकाल देते हैं उसे अर्थेक्टोमी कहा जाता है, जोड़ों से काटकर बाहर करना। जोड़ों से काटकर बाहर करना। एनाथ्रोस है, इसमें एना मीन्स होता है दोस्तों रूट वर्ड है, एना मीन्स होता है विदाउट, थ्रो अर्थ्रस है, इसमें अर्थ्रस मीन्स तो जोड़ होता ही है,
इसका मतलब होता है दोस्तों, हमारे शरीर में जो भाग होता है जो गतिशील नहीं होता, अगतिशील होता है, उसे एनाथ्रोस कहा जाता है। जोड़ जो गतिशील नहीं होते, गतिशील नहीं होते। अब देखते हैं आर्थ्री फ्यूज। दोस्तों आर्थ्री फ्यूज एक प्रकार की दवा होती है, मेडिसिन होती है, इसके द्वारा इसे पेन किलर कहा जाता है। इससे हमको तुरंत जो जोड़ों में दर्द रहता है तुरंत उससे आराम या रिलीफ मिल जाता है। दर्द निवारक दवा। दर्द निवारक दवा। दर्द निवारक दवा होती है जो जोड़ों में जब दर्द होता है इसके खाने से तुरंत हमको रिलीफ मिल जाता है। आर्थ्रोलॉजी दोस्तों, इसमें दोस्तों अध्ययन करते हैं जोड़ों का। वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट है। वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा, वैज्ञानिक दोस्तों आर्थ्रोलॉजी, इसमें वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा हम जोड़ों का रिपेयर करते हैं। दोस्तों आर्थ्रोलॉजी देखते हैं, एक वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा जोड़ों का रिपेयर करते हैं। आ इंस्ट्रूमेंट विच डील विद ट्रीटमेंट ऑफ टू ज्वाइंट इज कॉल्ड दोस्तों आर्थ्रोलॉजी। एक इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम जोड़ों के रिपेयर करते हैं उसे आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। एक बार दोस्तों मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मीन्स होता है जोड़ों में सूजन। अर्थ ये हो गया रूट वर्ड, इसका मतलब जोड़ होता है। आइटिस मीन्स होता है सूजन, इसका मतलब होता है जोड़ों में सूजन। आ समथिंग इन्फ्लेमेशन इन ज्वाइंट ऑफ बोन, जिसमें जोड़ों में जब दर्द होता है उसे कहते हैं अर्थराइटिस। उसके बाद देखते हैं अर्थ्रोलाजिया। आ पेन इन ऑफ ज्वाइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड दोस्तों अर्थ्रोलाजिया। जब दोस्तों हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द होता है उसे कहते हैं अर्थ्रोलाजिया। आर्थ्रोप्लास्टी आर रिपेयर ऑफ आवर आवर ज्वाइंट विद साइंटिफिक ट्रीटमेंट इज कॉल्ड दोस्तों आर्थ्रोप्लास्टी। दोस्तों जब हमारे शरीर में जोड़ों का रिपेयर किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से उसे कहते हैं आर्थोप्लास्टी। अब देखते हैं आर्थोपोड। आर्थो मीन्स होता है दोस्तों जोड़ होता है, पोड मीन्स होता है पैर होता है। उसके बाद इसका अर्थ हो गया पूरा अकशेरुकीय जीव में लिंब जो शरीर से अलग होता है, जैसे जोक हो गया सब, इसमें इनको अकशेरुक कहा जाता है। आर्थ्रोस्कोप होता है इसके द्वारा जोड़ों की। आ इंस्ट्रूमेंट विच इज एग्जामिन ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोस्कोप। एक इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा जोड़ों की जांच की जाती है उसे कहते हैं आर्थ्रोस्कोप। अर्थल है इसमें अ प्लेस बिटवीन टू ज्वाइंट इज कॉल्ड अर्थल। दोस्तों दो जोड़ों के बीच के स्थान को अर्थल कहा जाता है, आर्थेक्टोमी। अ पार्ट ऑफ ज्वाइंट रिमूव्ड बाय समथिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइंटिफिक इज कॉल्ड दोस्तों आर्थेक्टोमी। जोड़ों से काट कर बाहर कर देते हैं, कोई हड्डी इसमें इंक्रीज हो जाती है या कोई दिक्कत आता है उसे आर्थेक्टोमी कहा जाता है। एनार्थ्रस अ प्लेस विद अ ज्वाइंट नॉट मूविंग इज कॉल्ड दोस्तों एनार्थ्रस। जोड़ में जो गतिशील नहीं होता है उसे एनार्थ्रस कहा जाता है। आर्टिफ्यूज इट इज अ पेन किलर विच इज रिलीव फ्रॉम पेन ऑफ ज्वाइंट। दोस्तों ये प्रकार की दवा है जो आर्टिफ्यूज, जिसमें जिसे पेन किलर कहा जाता है जोड़ों, इसे खाने से हमारे जोड़ों में तुरंत आराम हो जाता है या उससे रिलीफ मिल जाता है। आर्थ्रोलॉजी इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच डील विद द रिपेयर ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड दोस्तों आर्थ्रोलॉजी। वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा जोड़ों का रिपेयर करते हैं उसे आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।